गुड मॉर्निंग। आज दो दिन के बाद अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज जा रहे हैं हम लोग एडिनबरा, यहाँ से लंदन से एडिनबरा जा रहे हैं। वहाँ पे फ्री नाइट वहाँ पे रहेंगे, हम वहाँ पे घूमेंगे। आज का जो हमारा जर्नी होगा वो ट्रेन से होगा। मैं इससे आप लोगों का शेयर करती हूँ। तो सुबह से हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं, अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपना जर्नी। ट्रेन का भी दिखाएंगे और हम स्टेशन दिखा रहे हैं, कितना खूबसूरत स्टेशन है यहाँ का। अंदर आ गए हैं और हमारे ट्रेन में अभी समय बाकी है 1.5 घंटा। ट्रेन वहाँ पे जा रही है, वो लोकल ट्रेन है। हमारा ट्रेन कौन सा होगा क्या पता, डोंट नो। सब खाने पीने को एकदम बढ़िया है, साफ़ सुथरा है। एक्सीलेटर वगैरह एकदम चौचक लगा है, बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज है। बहुत ही खूबसूरत है ये। ऐसे बीच बीच में शूट करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा क्लिप लेते रहेंगे। अभी हेलीकॉप्टर के लाइन में जा रहे हैं लगने के लिए। चल मिलते हैं थोड़ी देर में। जो हैरी पॉटर का बता रही थी, स्टोर यहाँ पे है, इसमें लाइन नहीं है। लाइन किस लिए है, मैं निकल आई क्योंकि मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे बेटे को है, वो लाइन में है, लेकिन है क्या चीज़, क्या कर रहे हैं, किस लिए लाइन है, मेरे समझ के परे, मेरे समझ के बाहर है। यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ हैरी पॉटर का एक ये लगा है प्लेट, नाम है ये देख रहे हैं। $10 पे करना है, ठीक है। बस इसी से फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन छोटी छोटी बचा है हमारा। 2 घंटा पहले हम आए थे, आने का कोई मतलब हुआ नहीं। हैरी पॉटर जो था ना, पूरा टाइम ले लिया था वहीं पे, भाग भाग के ट्रेन पे बैठे हैं। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि हमें भाग करके ट्रेन में कहीं पे भी हम 1-2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, रिस्क नहीं लेते। लेकिन आज पहुंचने के बावजूद भी लेट हुआ। तो ट्रेन के पास पहुंचते ही जो डिब्बा पास में था उसी में चढ़ना था, अपने डिब्बे तक पहुंच भी नहीं पाए थे अपने सीट पर, क्योंकि अगर मैं नहीं बैठ जाते थे तो छूट जाता था। तो अब मैं ट्रेन में बैठी हूँ और मैंने सोचा थोड़ा सा हम कैप्चर करते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा स्लो टॉक कर रही हूँ, आजू बाजू वाले बॉर्डर होंगे ना, मैं दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। बाहर का नज़ारा दिखाने लगी तो ये सब ही आने लगा। ये है हमारा सीट, ये है ट्रेन। थोड़ा सा खड़ा हो, ये है पूरा व्यू। यहाँ स्टेज स्टेशन पे आ गए हैं, ये है प्लेटफॉर्म। हम स्टेशन से निकल गए हैं। यार ट्रेन की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है, कान को इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो ही मत। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इवन इससे ज़्यादा प्लेन में आवाज़ कान फोड़ता है सच में। लेकिन ये एकदम स्मूथ चल रहा है। इतने सारे यहाँ पे शेड, ये देखो वाइट वाइट दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे गांव जा रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। सब बढ़िया व्यू एंजॉय करते हुए, पटरी साफ सुथरा है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। स्टेशन आ गया है हमारा, नहीं है इसके बाद का स्टेशन हमारा है। बहुत ही अच्छा व्यू देखा,
मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ। यहाँ का बिल्डिंग इतना अमेजिंग लग रहा है ना देख के ना। यहाँ पे ईंट की ईंटे का ही दीवार होता है, कितना ईटा बनता होगा यहाँ पे। सॉलिड ईंट, एकदम सॉलिड। ये पुलिस स्टेशन है क्या? न्यूकैसल से निकल गए, स्टेशन का नाम न्यूकैसल था। अब यहाँ से 1.5 hour की जर्नी और रह गई है। सुनो ध्यान से, अभी हम क्लिफ बार खा रहे हैं, एनर्जी बार, भूख लगती है। और यहाँ के ना ट्रेन के अंदर का सिस्टम ये है, जैसे प्लेन में एयर होस्टेस वगैरह रहती है ना, वैसे यहाँ पे भी है सर्विस देने के लिए। एंड अनाउंसमेंट भी हो रहा है, जैसे प्लेन में होता है वैसे। अभी निकल गए हैं बाहर की दुनिया, अभी थोड़ी देर में डार्क हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो गया है, हम लोग स्कॉटलैंड पहुंच गए हैं। इस वक्त हम लिफ्ट में हैं, जा रहे हैं रूम में। आपको रूम दिखाते हैं, कुछ ऐसा छोटा सा रूम है। कल मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी रात हो गया था पहुँचते पहुँचते। रात नहीं हुआ था, 4 o'clock हुआ था पहुँचते पहुँचते, बट काफ़ी डार्क हो गया था इसलिए हम नहीं शूट कर पाए। तो आज मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, आज से मैं नया स्टार्ट करूँगी। हम चलते हैं फिर रूम में। ओके, डाउन स्टेयर पर क्यों जा रहे हैं? ओ सनरूफ, सॉरी, ये मैं ही दिख रही हूँ। होटल के अंदर आया, ऐसे जगह जगह पे ऐसे सनरूफ, बढ़िया ब्राइट लाइट आ रहा है अंदर, नेचुरल लाइट स्टे। अभी ना अभी हम जब निकलेंगे ना, जाने लगेंगे ना, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके आए हैं, रेडी होकर जब जाने लगेंगे, रेडी क्या होना, रेडी हुए हो, जब जाने लगेंगे बाहर, तब मैं बाहर से दिखाऊंगी होटल अपना। ये रहा हमारा रूम, रूम नंबर 319। एंट्री मेरा बहुत छोटा सा रूम है, एंट्री मारते ही आ गया यहाँ पे क्लोजेट, सब कपड़े वगैरह यहाँ पे है। तिजोरी तिजोरी बोलते हैं, कॉफ़ी वगैरह सब नॉर्मल सा है, छोटा सा है। दो रूम है, ये बेड है एंड ये है बाथरूम छोटू सा, एंड सब सामान वामान रख दिया गया है, कल से आए थे, सभी इधर उधर बिखरा हुआ है। हमारा पीछे का व्यू ये है, मेरा दूसरा रूम जो है जिसमें बच्चे हैं उसका व्यू बहुत अच्छा है, इसका ये है। आज तो हम देखेंगे स्कॉटलैंड की ब्यूटी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।